हेलो दोस्तों, करोड़ों लोगों के जीवन में दौलत लाने वाली यह पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का अध्याय 9 के बारे में आज हम बात करेंगे। दौलत पाने के लिए अवचेतन की शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है। अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्ध में रहेंगे और बचत भी करेंगे। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वे ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। इस बात पर यकीन न करें कि दौलतमंद बनने का इकलौता तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। ऐसा नहीं है। जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। वह काम करें जिसे करने से आप प्रेम करते हैं। दौलत मस्तिष्क में रहती है। दौलत व्यक्ति के अवचेतन के विश्वास से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप यह कर लखपति नहीं बन सकते, मैं लखपति हूँ। अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना विकसित करते हैं। अधिकांश लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते हैं। जब बिजनेस कमज़ोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है या उनके निवेशों में नुकसान होता है, तो वे बेबस नज़र आते हैं। इतनी असुरक्षा का कारण यह है कि वे अवचेतन मन का दोहन करने का तरीका नहीं जानते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि उनके भीतर कभी न खत्म होने वाला अथाह भंडार भरा है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है। बहरहाल, जिसका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा होता है, वह तमाम सुख सुविधाओं में जीता है। ईश्वर यह भी नहीं चाहता कि हम गरीबी में दिन काटें। आप दौलत और अपनी ज़रूरत की हर वह चीज़ पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिष्क से गलत विचार साफ करके सही विचार। अध्याय सुनते समय आप कह रहे होंगे, मुझे दौलत और सफलता चाहिए। आप एक काम करें, रोजाना 3-4 बार 5 मिनट तक ये 2 शब्द दोहराएं, दौलत और सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि है। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति का लंगर डाल लें। इसके बाद उनकी प्रकृति के और गुण से मेल खाते परिस्थितियाँ आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। आप यह नहीं कह रहे हैं मैं दौलतमंद हूँ, आप तो अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर आपके मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होती है। यही नहीं, जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके भीतर इसकी भावना प्रबल हो जाएगी। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। यह बात हर वक्त ध्यान रखें। आपका अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था या हर उस चीज़ को बढ़ा देता है जो भी आप इसमें जमा करते हैं या जिसकी भी आप इस पर छाप छोड़ते हैं। भले ही यह दौलत का विचार हो या गरीबी का, दौलत को छूने में कई लोगों ने यह शिकायत की है। जिनकी आम शिकायत यह होती है कि मैं कई हफ्तों और महीनों से कह रहा हूँ मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने पाया कि जब वे कहते थे मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, तो उन्हें मन ही मन लगता था कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैंने घोषणा की कि मैं अमीर हूँ, मैं यह करते करते थक चुका हूँ, स्थितियाँ अब पहले से ज़्यादा ख़राब है। अपनी अमीरी की घोषणा करते समय मैं जानता था कि यह सच नहीं है। इस तरह के कथनों को चेतन मन स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण उसने बाहर से जो घोषणा की और उस जिसका दावा किया, उसका विपरीत परिणाम मिला। आपकी सकारात्मक घोषणा तथा सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब यह विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष या विवाद पैदा ना होता हो। इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी। आपका अवचेतन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है, या तो सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिन्हें आप सचमुच सच मानते हैं। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है। मानसिक संघर्ष आपके अंदर चलता रहा है, उससे बचने का उपाय डॉक्टर मर्फी ने बताया है। जिन लोगों के सामने यह मुश्किल है, जिन उनके लिए इस संघर्ष से उबरने का आदर्श तरीका यहाँ दिया गया है। यह व्यवहारिक कथन बार बार दोहराएं, खासतौर पर सोने से ठीक पहले। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं। जब आप इस तरह की बातें कहते हैं, आप कोरे चेक पर साइन करते हैं, काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, काफ़ी तंगी है, कर्ज की किस्त नहीं चुकाने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा आदि। जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं तो आप एक कोरा चेक लिख रहे हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके डर तथा नकारात्मक कथन को आपके आग्रह के रूप में स्वीकार करता है, फिर अपने तरीके से काम शुरू कर देता है जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी और सीमाएं पैदा हो जाती हैं। आपका अवचेतन मन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। जिसमें दौलत की भावना है उसे अधिक दौलत दी जाएगी, जिसमें कमी की भावना है उसे कम दिया जाएगा। जिस चीज़ को अपने अवचेतन मन में जमा करते हैं यह उस चीज़ को कई गुना कर देता है और बढ़ा देता है। हर सुबह जब आप जागे तो समृद्ध, सफलता, दौलत
दौलत और शांति के विचार जमा करें। इन अवधारणाओं पर सोचें, अपने मस्तिष्क को इनके साथ अधिकतम व्यस्त रखें। ये सृजनात्मक विचार जमा राज की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता तथा समृद्धि ला देंगे। कुछ लोग शायद यह कह रहे होंगे, ओह मैंने यह किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही आप डर के विचार में डूब गए थे और आपने उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी आपने घोषणा की थी। जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं तो आप उसी दिन जाकर उसे खोद कर वापस नहीं निकाल लेते हैं, आप उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। मान लें उदाहरण के लिए आप यह कहने वाले हैं, मैं उस चीज़ को कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले कि आप मैं से आगे बढ़ें वहीं रुक जाएं, इसे बदल कर सृजनात्मक कर दें, जैसे मैं सभी तरीकों से समृद्ध बनूंगा। दौलत का सच्चा स्रोत यह है, आपके अवचेतन मन में विचारों की कमी नहीं होती है। इसके भीतर असंख्य विचार हैं जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने और असंख्य तरीकों से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए तैयार हैं। यह प्रक्रिया आपके दिमाग में चलती रहेगी, भले ही शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, भले ही रुपया का मूल्य कम हो या ज़्यादा हो जाए। दरअसल आपकी दौलत कभी क्या बैंक के पैसे पर निर्भर नहीं करती है, ये तो सिर्फ प्रतीक है, जाहिर है आवश्यक और उपयोगी भी, लेकिन सिर्फ प्रतीक है। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ, डॉक्टर मर भी कहते हैं, वह यह है कि अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दें कि दौलत आपकी है और यह आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित हो रही है, तो हमेशा और अंततः यह आपको मिल जाएगी, चाहे यह कैसा ही रूप ले ले। कई लोगों को कहते हुए आप यह अधिकतर सुने होंगे, वे तंगी में दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आपने कभी उनकी बातचीत सुनी? वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और जिन्होंने अपने सिर भीड़ से ऊपर उठा लिए हैं। कई मामले में उनकी बातचीत इस तरह से चलती है, वह आदमी बदमाश है, वह क्रोध है, निर्दयी है, वह तो धूर्त है, इसलिए उनके पास पैसे की कमी रहती है। वे लगातार उसी चीज़ की निंदा कर रहे हैं जिसे वो चाहते हैं। वे अपने अधिक दौलतमंद सहयोगियों की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी समृद्धि से जलते हैं। दौलत को दूर भगाने का सबसे तीव्र तरीका अपने से ज़्यादा दौलतमंद लोगों की आलोचना और निंदा करना होता है। रात को सोने जाते समय इस तकनीक का अभ्यास करें। दौलत 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 शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें, किसी लोरी की तरह दौलत शब्द बोलते हुए सोएं। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की एक और मिसाल है। अपने मन की शक्तियों का इस तरह से लाभ लें। सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करना। कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है, आपको कड़ी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दौलत अवचेतन और विश्वास है, आपकी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं हैं। सोने से 5 मिनट पहले तक दौलत सब धीरे धीरे और शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है, इसे हमेशा याद रखें। चेतन और अवचेतन दोनों मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन उस चीज़ को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार को स्वीकार करता है। आपका प्रबल विचार गरीबी नहीं है, अमीर होना चाहिए। आप यह घोषणा करके दौलत के बारे में किसी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों से अमीर बन रहा हूँ। इस वाक्य को दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ा सकते हैं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ और हर दिन ज़्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। कोरे चेक लिखना बंद कर दें, जैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं या बड़ी तंगी है। आज इस तरह के वाक्य आपकी कमी को और बढ़ाते हैं। अपने अवचेतन मन में समृद्ध दौलत और सफलता के विचार जमा करें, यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाएगा। आप चेतन रूप से जो सकारात्मक घोषणा करते हैं उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से नक नकारें, इससे वह अच्छाई खत्म हो जाएगी जिसकी आपने घोषणा की है। दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार हैं। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार दे देगा। ईर्ष्या का और जलन दौलत के प्रवाह में अवरोध हैं। दूसरों की समृद्धि पर खुश। दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इसी समय नष्ट कर दें और इस तरह आपको दौलत ही दौलत आपके जीवन में प्राप्त हो जाएंगे।